हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी संस्कृत टीचर निधि गुप्ता, आपकी कक्षा पंचम, आपकी बुक अमृतांश, विषय संस्कृत। आपका पाठ चल रहा है दो, द्वितीय पाठ है। पाठ दो, अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रथम पुरुष एकवचन। ये आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में बता चुकी हूँ। अब इसका आगे का देखेंगे। इसमें देखिए व्याकरण, व्याकरण में क्या है, पहले प्रथम पुरुष, आपका लेसन प्रथम पुरुष का चल रहा है ना, तो प्रथम पुरुष के बारे में जानेंगे। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है अथवा बताया जाता है वह प्रथम पुरुष कहलाता है। हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वह, वे दोनों, वे सब, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन, किसी तीसरे के बारे में बात करना। जैसे लेखक लिखता है, कौन लिखता है, लेखक। इस वाक्य में लेखक के विषय में बताया गया है, अतः लेखक शब्द प्रथम पुरुष एकवचन है। ठीक है, धातु, अब हम धातु के बारे में देखें कि क्या, किसे कहते हैं धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया हमारी, जैसे हम पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, भागना या कुछ भी कार्य हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्रिया। और संस्कृत में उसके लिए हम धातु का प्रयोग करते हैं, क्रिया के लिए उसका मूल रूप क्रिया का धातु कहलाता है। धातु के साथ अति प्रत्यय, अति प्रत्यय जोड़ देने पर प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया बनती है, क्रिया यानी वर्ब। कुछ प्रमुख धातु रूट्स, धातु जो है वो, तथा उनकी प्रथम पुरुष एकवचन की क्रियाएं इस प्रकार है। आपके ये देखिए जो हमारी प्रथम पुरुष एकवचन की बनेगी, जैसे पत धातु है, पत धातु गिरने के लिए आती है, उसमें अति जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, पतती, पतती यानी गिरता है। रक्षति, रक्ष प्लस अति, रक्षति यानी रक्षा करता है, रक्ष धातु रक्षा करने के लिए आती है। पिब धातु, आपकी पिब धातु है, पिब मतलब पीना, और उसमें अति प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बन गया पिबती, पीता है। खेल धातु खेलने के लिए आती है, उसमें अति जोड़ दिया तो शब्द बनेगा खेलती। ये आपके प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया, खेलता है। इसमें जो है आपके एकवचन में ता है, प्रथम पुरुष में आपके लट लकार में आता है, ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो ये हस धातु है, हस धातु का अर्थ होता है हंसना, उसमें अति जोड़ दिया तो बन गया शब्द हंसती, तो उसका अर्थ हो गया हंसता है। जब अति लग गया तो क्या हो गया, उसका अर्थ हंसता है। वैसे हस धातु का अर्थ होता है हंसना, उसमें अति जोड़ देंगे तो ता है लग जाएगा, हंसता है। लिख धातु, लिख का अर्थ है लिखना, उसमें अति प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया लिखती, लिखता है। अस धातु में अति जोड़ दिया तो क्या बन गया, अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है अस्ति, इस्तः, संति। अस्ति एक है के लिए, इस्तः दो है के लिए, और संति बहुत सारे है के लिए। ठीक है, तो आप इन धातुओं को याद करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए अभ्यास कार्य इसका, रिक्त स्थान भरिए। गायक है, गायक, यहाँ पे ये आपका प्रथम पुरुष का एक है। गायक जो है वो क्या करता है, गायक क्या करता है, गाता है, तो उसके साथ गायती, ये क्रिया लग जाएगी, गायक है, गायती। गायक एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। छात्र है, छात्र क्या करता है, पढ़ता है, तो उसके साथ पढ़ धातु लगा देंगे, छात्र पठती। सिंह है, शेर, शेर क्या करता है, गरजता है, तो क्या आ जाएगा, गर्ज धातु आ जाएगी, सिंह गर्जती। प्रथम पुरुष के एक वचन में ती लग गया, अति प्रत्यय लग गया, सिंह गर्जती। भक्त है, भक्त क्या करता है, नमस्कार करता है, तो भक्त है नमती, नम धातु नमस्कार करने के लिए। वानर है, बंदर, बंदर क्या करता है, कूदता है, तो कूर्दती, कूर्द धातु कूदने के लिए आती है और ती और लग गया अति प्रत्यय, तो वानर कूर्दती। ठीक है, आगे इन्हें आप अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।